फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं थेपले। थेपले बनाने के लिए चाहिए कसूरी मेथी, गेहूं का आटा, बेसन, ऑयल, पानी, दही, ज्वार का आटा, लाल मिर्च पाउडर, तिल, चीनी, हींग, नमक, जीरा, अदरक और मिर्च का पेस्ट और हल्दी। थेपले बनाने के लिए आटे को माल करके रखेंगे। आटा मारने के लिए 2 कप गेहूं का आटा, 3/4 कप बेसन, 1/2 कप ज्वार का आटा। अगर आपके पास ज्वार का आटा ना हो तो कोई बात नहीं, आप ज्वार का आटा ना डालें, आप केवल बेसन और आटे को डालें। 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, अगर ताजी मेथी आ रही हो तो 1 कप ताजी मेथी काट करके डाल दें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून या अपने स्वाद के अनुसार, 2 टीस्पून तिल, 4 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून हींग, अदरक और मिर्च का पेस्ट अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा रखना हो उतना। ये 2 टीस्पून डाला है। 2.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 कप दही डालेंगे। अब सबको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके सख्त आटा गूंथ लेंगे, जैसे पूड़ियों का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से सख्त आटा गूंथेंगे। आटे को एकदम सख्त माड़ा है, जैसे पूड़ियों का आटा मारते हैं उसी तरीके से आटे को करीब 35 से 40 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे। आटे को रखे हुए करीब 40 मिनट हो गए हैं। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और जो आटा है उसको करीब 1 मिनट तक गूंथ लेंगे। आटे की छोटी छोटी लोई बना लेंगे। लोई बना करके रख लेंगे। अभी लोई लेंगे, लोई को मैदे पे डिप करेंगे और जितना पतला हो सके उतना पतला थेपला बेल लेंगे। तरीके से पतला थेपला बेल लेंगे। थेपले को गरम तवे पर डालेंगे। थेपला हल्का सा सिकने के बाद थेपले को पलट देंगे। हल्का सा सिक गया, दूसरी साइड से भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी यूज कर सकते हैं। जैसे पराठा सेकते हैं उसी तरीके से थेपले को सेक लेंगे। थेपले बहुत पतले होते हैं तो ये फटाफट सिक जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थेपला सिक चुका है, इसी तरीके से सभी थेपले सेक लेंगे। थेपले सिक गए हैं। थेपलों को आम के अचार, लिसौड़े के अचार या मिर्च के अचार के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू।